इस वक्त बड़ी खबर डिंडौरी से मिल रही है। अवैध खनन के खिलाफ बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने आदिवासी नेताओं के साथ कलेक्टर से शिकायत की है, जहां उन्होंने रेत माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। धुर्वे ने आरोप लगाया कि बुनेर नदी में ठेकेदार के गुर्गे बंदूक की नोक पर अवैध खनन करवा रहे हैं, जिसका विरोध करने पर ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ओम प्रकाश धुर्वे ने अवैध खनन की शिकायत मंत्री कमल पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से भी की थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ओम प्रकाश धुर्वे का कहना है कि अगर प्रशासन जल्द कोई एक्शन नहीं लेता है तो वे खुद स्थानीय लोगों को साथ लेकर ठेकेदार के खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। इधर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता अमान सिंह ने अवैध खनन को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने कलेक्टर से शिकायत की, रेत के अवैध खनन का आरोप लगाया है, खुलेआम यहां अवैध खनन हो रहा है, ये कहा। बंदूक की नोक पर अवैध खनन किया जा रहा है, ग्रामीणों को रेत माफिया धमकाते हैं, अधिकारियों और माफिया की मिलीभगत है, ये बीजेपी नेता ने कहा है। और रेत पर रार यहां छिड़ी हुई है, अधिकारियों और माफिया की मिलीभगत का आरोप ओम प्रकाश धुर्वे ने लगाया। आदिवासी क्षेत्र में रेत वहां का निकासी करवा रहे हैं, जहां पे खदान है उनका स्वीकृत खदान है, जिस रकबा में वहां से दूसरी जगह भी वो लोग रेत खदान करवा रहे हैं, सब उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और इनके ऊपर आदिवासी हरजन एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपमानित किया है जाति सूचक। ये बंदूक जो खंडे में रखने का, वैसे वही तक आ गए हैं, तो ये भिंड का है, कहीं से भिंड आ जाए तो यहाँ निपट जाएंगे, ये हमने उसको निवेदन किया है, इसलिए आप इसको रोकने का काम करें। ये शिकायत में हुआ है कि कुछ लोग कहे गांव में आते हैं, दहशत फैलाते हैं, माहौल में प्रभाव करता है, ये सब शिकायत में लिखा हुआ है। जांच होगी, जांच द्वारा जो भी स्थिति पाई जाएगी वो कार्रवाई होगी। अभिमन्यु सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिमन्यु, बीजेपी नेता ने ही मोर्चा खोल रखा है, जबकि सरकार एक तरफ कहती है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई चल रही। बिल्कुल, ये जो रेत का कारोबार चल रहा है, डिंडोरी जिले का कमकू मोहनिया में बुलनेर नदी है, वहां से रेत निकासी का जब से ठेकेदार ने काम शुरुआत की है, तभी से जो ग्रामीण है लगातार जिला कि जो ठेकेदार के गुर्गे हैं बंदूक की नोक पर वहां काम करवा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और जो नदी के किनारे जो आदिवासियों के खेत थे उनको भी उजाड़ दिया गया है, वहां पर रोड बना दी गई है, वहां से भी रेत की निकासी की जा रही है। इन सब बातों को लेकर ओम प्रकाश धुर्वे और जो भाजपा के पूर्व मंत्री रहे हैं और गोडवाना के जो पदाधिकारी हैं, वो सब गांव के कुछ लोग कलेक्टर के पास गए थे और कलेक्टर से शिकायत की थी कि यहां पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर आप बने रहिए, अभिमन्यु हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ गए हैं, कांग्रेस से के मिश्रा और बीजेपी से हितेश वाजपेयी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी से ही मैं सवाल करना चाहूंगी। हितेश जी, आप ही की पार्टी के नेता डिंडौरी में एक बड़े चेहरे आदिवासी धुर्वे जी ने ये आरोप लगाया है कि डिंडौरी में बंदूक की नोक पर अवैध खनन हो रहा है और ग्रामीणों को जीने खाने नहीं दे रहे हैं माफिया, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, इस बात से आप समझ सकती हैं कि मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा, दिवाली में नहीं थी बात को कहा था कि ये नेताओं का काम होता है कि कहीं पर भी किसी भी किस्म की यदि कोई ऐसी गतिविधि चल रही है तो उसको प्रशासन के संज्ञान में लाना और इस बात को सुनिश्चित करना कि वो समाप्त हो। वहीं आप देखेंगे कि क्या उस जिले में कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो सब चूंकि लिप्त हैं इसलिए वो शांत है, मौन है, चुप। प्रशासन कहाँ लिप्त है? प्रशासन कहाँ लिप्त है? वो तो कह रहे अधिकारियों माफियाओं की मिलीभगत है, प्रशासन पे कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन खुद कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैंने आपसे जो कहा शायद आप सुन नहीं पाई, फिर से दोहराता हूँ मैं कि राजनीतिक नेतृत्व का काम है कि कहीं पर भी कोई इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो उस संदर्भ में प्रशासन को सूचित करना, जिससे प्रशासन आगे कार्रवाई कर सके। और जब आप इसमें बीजेपी के नेताओं को देख रही हैं तो ये तो अच्छी बात है कि वो इस बात की सूचना दे रहे हैं, प्रशासन इसकी जांच करके कार्रवाई करेगा, लेकिन वो जिला कोई कांग्रेस विहीन तो नहीं है। ओम प्रकाश धुर्वे ये कह रहे हैं, कलेक्टर से शिकायत उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि अधिकारी भी मिलीभगत में लिप्त हैं, वो कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, अगर आगे नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे, ये बात भी कही जा रही है।
बिल्कुल, और कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल होंगे, तभी तो वो मौन है। एक भी बयान आपने का कांग्रेस के नेता वहाँ नहीं है ऐसा तो नहीं है जी। चलिए जवाब मुझे लगता है कि वो कोई बात ही नहीं कहना चाहते हैं, तो हमें तो अपने नेताओं पे गर्व है यदि वो इस बात को सामने लेकर आ रहे हैं। के मिश्रा जी से जवाब लेती हूं। के मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, बड़ी साफ गोई से हितेश वाजपेयी जी बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा हितेश जी से एक प्रश्न है, यदि आप कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि बदले की भावना से काम करने में आपकी सरकार को बहुत ज्यादा महारत हासिल है। आप उनको DIR में बंद कीजिए, यदि कांग्रेस के लीडर हैं तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए। मगर ओम प्रकाश दुर्वे जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बड़े सीनियर दलित लीडर हैं, मिनिस्टर रहे हैं। यदि वो कह रहे हैं और तो बात बहुत गंभीर है, और जिस हम तो बार बार कहते हैं, हम कहेंगे तो हितेश जी कहेंगे तो कांग्रेस ही, इनका काम है बोलना। जिस प्रदेश का मुखिया रेत माफियाओं का सरगना हो, जिनका परिवार रेत माफियाओं का सरगना हो, बहुत ऐसी घटनाएं होंगी। और ये कह रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, ओम प्रकाश ध्रुवे जी कह रहे हैं कि प्रशासन खुद इसमें इन्वॉल्व है। प्रशासन किसकी सहकारी इन्वॉल्व होता है? एवरीबडी नोज सरकार में कौन है, किसका संरक्षण है, और तो बचने की कोशिश हितेश जी ने कर सकते हैं। आपसे भी सवाल मैं करूंगी एक बार हितेश जी, आपसे एक हफ्ते पहले ओम प्रकाश ध्रुवे ने फग्गन से कुलस्ते केंद्रीय मंत्री से, कृषि मंत्री कमल पटेल से भी इस बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। काफी लंबा वक्त, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उनको अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता सता रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रक्रिया कहाँ तक आगे बढ़ी है, अगर मंत्रियों से भी शिकायत हो चुकी है तो? देखिए, एक पुरानी कहावत है, सुझाव भी है माना हुआ, नेवर शूट द मैसेंजर। तो मुझे लगता है कि जो मैसेंजर है वो यदि बीजेपी के नेता है तो ये तो आप स्वीकार करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो एक काम में लिप्त हों और उसके बाद शिकायत कर रहे हों। तो इसीलिए नेवर शूट द मैसेंजर एंड हु इज नॉट इन्फॉर्मिंग द पीपल, दैट इज द कांग्रेस कैंप। कांग्रेस कैंप शांत बैठा हुआ है, और मैं तो स्वयं कह रहा हूं कि वहां नर्मदा के पूरे बेल्ट में जिस प्रकार से 15 महीने में आवंटन हुआ है या अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया है, उसके कई मामले जो कोरोना के पीछे छिप गए थे, कोरोना में मूवमेंट नहीं हो पाया, प्रशासन का भी नहीं हो पाया, पब्लिक का भी नहीं कम होता है, तो स्वाभाविक है ये सब मामले धीरे धीरे निकल निकल कर आएंगे। अभी होशंगाबाद में इनके जो 8 ठेकेदार हैं। चलिए बात नर्मदा और उसकी अस्मिता की, तो के मिश्रा जी साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस क्यों आवाज नहीं उठाती, कांग्रेस को भी आवाज उठानी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्या ओम प्रकाश ध्रुवे के साथ वहां के स्थानीय नेता खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है और सरकार पर ही दबाव, तो दबाव बनाना है, सीधी सी बात। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ कि जहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, और कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट हो, चाहे उसमें मैं भी शामिल क्यों ना हूँ, सारे राजनीतिक दलों को मिलकर एक साथ हमला बोलना चाहिए। मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ शब्दों में बहुत अच्छी लगती है, कुर्ते पजामे और जॉकेट और मास्क के अंदर जो छुपा हुआ भ्रष्टाचार है वो लुभावने भाषणों में बाहर नहीं आ पाता है, और जनता समझती है, और यही कारण है कि राजनेताओं के प्रति नफरत हो रही है। और यही जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लंबी प्रक्रिया ना हो, शिकायत अगर ऊपर तक पहुंच रही है तो जल्दी कार्रवाई भी हो, क्योंकि सड़कों पर जनता ऐसे ही नहीं आती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।